और चलिए सबसे पहले रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है दिल्ली से आ रही है, जहां पर हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस ने आलाकमान को रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट जो है वो पार्टी आलाकमान को सौंप दी गई है। क्रॉस वोटिंग और वोट रद्द होने का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। क्रॉस वोटिंग कुलदीप बिश्नोई को लेकर तो पहले ही स्थिति साफ है, लेकिन वोट किसका रद्द हुआ है ये नाम अब तक सामने नहीं आया था, लेकिन अब ये रिपोर्ट जो है वो पार्टी आलाकमान को सौंप दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्रॉस वोटिंग और वोट रद्द होने का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव जिसमें कांग्रेस को बहुत बड़ा परिणाम जो है वो यहाँ पर भुगतना पड़ा क्रॉस वोटिंग और एक वोट रद्द होने के वजह से, और अब ये रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर सौंप दी गई है पार्टी आलाकमान को। जो समीकरण बिगड़े कांग्रेस के राज्यसभा चुनाव में, उसके बाद मंथनों का दौर चला, लेकिन सवाल यहाँ पर लगातार ही उठाए जा रहे थे कि आखिर किस विधायक का जो वोट था वो रद्द हुआ है। अब फिलहाल ये रिपोर्ट जो है वो पार्टी आलाकमान को सौंप दी गई है। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, राज्यसभा चुनाव में जो कीमत हरियाणा कांग्रेस को चुकानी पड़ी वो शायद हरियाणा कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ी, लेकिन किसकी वजह से ये कीमत चुकानी पड़ी, वो नाम किस विधायक का वोट रद्द हुआ, अब वो नाम जो है इस रिपोर्ट के जरिए पार्टी आलाकमान तक पहुंच चुका है। देखिए बिल्कुल, जो विस्तृत रिपोर्ट है हरियाणा राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में वो जो है पहुंच चुकी है पार्टी आलाकमान तक, और पार्टी की तरफ से जो ऑब्जर्वर बनाए गए थे इस पूरे चुनाव के संदर्भ में, चाहे वो शक्ति सिंह गोहिल की बात करें या फिर राजीव शुक्ला की बात करें या फिर जो खुद कैंडिडेट थे अजय माकन उनकी बात करें, उनकी तरफ से ये जो रिपोर्ट है पार्टी आलाकमान को जो है दे दी गई है, और इस पर एक्शन अभी इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि राहुल गांधी की जिस तरीके से ईडी के समक्ष पेशी होती हुई नजर आ रही थी, और सोनिया गांधी भी पिछले कुछ समय से लगातार बीमार देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी, इसलिए जो है इस पर फिलहाल एक्शन जो है अभी नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक बड़ी जानकारी राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में कि किस तरीके से कांग्रेस के पास 31 विधायक होने के बावजूद जिसमें 30 विधायक अगर कांग्रेस के समर्थन में वोट डाल देते तो कांग्रेस का कैंडिडेट अजय माकन जीतता हुआ नजर आता, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो हार गया था। इसी संदर्भ में अब जो विस्तृत रिपोर्ट है कि किसने क्रॉस वोटिंग की, किसने जो है जिसका वोट है वो रद्द होता हुआ नजर आई, ये तमाम जानकारी जो है फिलहाल आलाकमान के पास पहुंच चुकी है। स्पष्ट तो अभी क्या समझा जाए, आगे आने वाले समय में जो नाम है वो यहाँ पर सामने आता दिखेगा और पार्टी की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की दिशा में यहाँ पर फैसला लिया जा सकता है कि बिल्कुल हो सकता है कि आने वाले समय में जो एक्शन है वो जो है पूरी तरीके से पार्टी जो है लेती हुई नजर आएगी, लेकिन इस पर डिपेंड ये कर रहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से ईडी के समक्ष पेश होते हुए नजर आ रहे हैं वो किस तरीके से जो है इसका पूरा मैटर जो है निपटारा होता हुआ नजर आएगा, और सोनिया गांधी की चूंकि तबीयत खराब हो रही है वो कब तक चीजें ठीक होती नजर आएंगी उस पर ये कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा कि किस तरीके से पार्टी आगे एक्शन लेती हुई नजर आएगी। हालांकि कुलदीप बिश्नोई के संदर्भ में पार्टी ने जरूर एक छोटा एक्शन कहीं ना कहीं लिया था कि किस तरीके से जो उनके सभी पद थे उनको जो है वो वापस ले लिया था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें क्रॉस वोटिंग और वोट रद्द होने का जो मुद्दे की विस्तृत रिपोर्ट है वो पार्टी आलाकमान को सौंप दी गई है, और फिलहाल आगे अभी क्या होता है, क्या कुछ फैसला पार्टी आलाकमान की तरफ से लिया जाता है, क्या एक्शन लिया जाता है, ये देखना बेहद जरूरी होगा। लेकिन राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के जो समीकरण बिगड़े और क्रॉस वोटिंग और वोट रद्द होने का खामियाजा राज्यसभा चुनाव में हरियाणा कांग्रेस को चुकाना पड़ा, उसके बाद मंथनों का दौर चला, हालांकि वोट किस विधायक का रद्द हुआ ये खुलकर पार्टी की तरफ से नहीं कहा गया, लेकिन हाँ एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो पार्टी आलाकमान को सौंप दी गई है। लेकिन अभी हाल फिलहाल सोनिया गांधी कल ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वो आई हैं वापस, और राहुल गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ लगातार जारी है, और ऐसे में अब संभावना ये जताई जा रही है कि बहुत जल्द जो है पार्टी इस पर संज्ञान जो है वो पूरी तरीके से लेगी।